ये संस्कृत भाषा को जानने वाले विद्वान गछामी गछामी करते हुए और हमारी भक्त समाज को पथ भ्रष्ट कर दिया। और ये संस्कृत भाषा के विद्वान होने के कारण समाज में महर्षि की पदवी पा गए। नमस्कार साथियों, एनडीसी न्यूज की टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज हम आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की ओर जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्विटर पे छाया हुआ है वो टॉपिक, जिस टॉपिक का ट्रेंड हो रहा है आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, दोस्तों ट्विटर पे दो दिन से एक टैग ट्रेंड हो रहा है जिसका टॉपिक है फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल एक्सपोज, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को एक्सपोज किया है। और उसके बाद एक ट्रेंड और चला अगले दिन जिसमें लिखा था चुल्लू भर पानी में डूब भरो। दोस्तों इस तरीके के टैग जो हमारे ट्विटर पर चल रहे हैं, ये सोशल मीडिया की और एक संत के अनुयायियों के ज्ञान की लड़ाई देखने में आ रही है। तो आइए हम जानते हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं संत के एक अनुयायी के पास और उनसे हम जानेंगे कि कहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो कहाँ तक शास्त्रों के अकॉर्डिंग है और कितना ये ज्ञान शास्त्रों के विपरीत है। आइए हम तुलना करते हैं और आपको हम दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, का नाम है संजय शर्मा जी, और ये हम आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे जिस प्रश्न यहाँ पे सोशल मीडिया साइट पे उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे कि कबीर साहब जी ने जो उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के चित्र को जो बताया है, उसमें आपने जड़ को कबीर साहब जी को चित्रित किया हुआ है, यानी कि जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है उसकी जो जड़ है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है। इसका प्रमाण आप दीजिए, कहीं पे इसका प्रमाण मिलता है कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा। सत साहेब जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ वीरेंद्र सोलंकी जी को और कौशलेंद्र शास्त्री जी को कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और पुस्तक के ऊपर सवाल उठाए हैं, वो इन्होंने एक दो पंक्ति को पढ़कर सवाल उठाए हैं जो निराधार हैं। दूसरा, जैसे वीरेंद्र सोलंकी जी ने कहा है कि कबीर साहब को संसार रूपी वृक्ष की जड़ पर बिठा दिया है और तीनों देवों को ब्रह्मा विष्णु महेश जी को शाखा रूप में बताया है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोकों का हवाला दिया है कि 15वें अध्याय के 1-2 में ये प्रमाण है, लिखा है कि उर्धव मूलम अदय शाखम प्राहु अश्वत्थम छंदासी यश प्रणाली यस्तम वेद स वेदवित। गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है कि वे अर्जुन, यह संसार लटका उल्टा लटका हुआ पीपल का अविनाशी विस्तृत वृक्ष है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में जो संत जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लगभग आज से 650 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा कबीर साहब आए और इस धरा पर सकलोक की जानकारी देते हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताते हुए अपने कबीर सागर के अंदर ये प्रमाण दिया है श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का अर्थ एक चौपाई में दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। और जैसा इन्होंने डिबेट में ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं है, तो ये इनकी अपनी एक अज्ञान सोच है, इन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है और बिना सोचे समझे हवा हवाई बातें ये स्वयं कर रहे हैं और हमारे गुरुजी पर और हमारे गुरुजी की लिखित तो पुस्तकों के ऊपर ये मतलब आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जो पुस्तकों में ज्ञान है वो हवा हवाई ज्ञान है। हमने देखा चैनल पे कि एक संत पुनेश्वर जी हैं, उन्होंने डिबेट में ये बताया
कि कबीर साहब जी ने तो कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता होने का प्रमाण अपने सागर में नहीं दिया है। ये तो आप और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का जिक्र करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ संत मुनीश्वर जी से कि जो जानकारी आपको पूरी नहीं है तो इस तरह के सवाल आप न करें, क्योंकि आपको ज्ञान और अज्ञान का अभी पता नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी ज्ञान है वो वेद प्रमाणित है, 100% सत्य है। अब हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान बताया है उस आधार से हम आपको बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद प्रूफ किया है कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है। आप देख सकते हैं श्री देवी भागवत पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है उसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में लिखा है विष्णु जी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम ही जगत जननी हो और कल्याणमयी माया माता हो, और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता रहता है, यानी हमारा आविर्भाव और तिरुभाव पूरा करता है। तो इन चंद पंक्तियों से सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान हैं। और दूसरा प्रमाण हम लेते हैं कबीर सागर से, जिसमें परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना बताई है, जिसमें कहा है कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारण बंसन अंजन, पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश माया यानी दुर्गा और काल ब्रह्म की संतान है, और यही प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 और 5 में स्पष्ट किया है कि प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और ये काल ब्रह्म माता दुर्गा के उदर में बीज स्थापन करने वाला पिता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि इन तीनों गुणों के ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल ब्रह्म और दुर्गा जी हैं और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। अगला प्रश्न आपसे, ये विजेंद्र सोलंकी जी को शंका है कि आपने जो पुस्तक में लिखा हुआ है कि भक्ति करने से जीव की सारी बुराइयां छूट जाती हैं, जैसे नशे, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तो उनकी शंका का समाधान आप किस तरीके से करेंगे, या यूं कहें कि जनता की शंका का समाधान आप किस तरीके से करेंगे प्रमाण के साथ? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते? इसके बारे में आपके क्या विचार? संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर कबीर साहब की अमृतवाणियों में से हमें बताते हैं कि बुराइयां हमें छोड़नी चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि सुरापान मद मांसाहारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटप हैं शीशम, साक्षी साहेब हैं जगदीशम। जब हमको इन वाणियों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी समझाते हैं तो हमें एक डर बनता है कि अगर हम ये गलत काम करेंगे, मांस तम्बाकू शराब पर स्त्री गमन करेंगे तो ये हमारे लिए पाप के कारण बनेंगे। तो इन सब वचनों को सुनकर हम सभी भक्तात्माओं के आत्मा इनसे दूर हो जाती है और सभी बुराइयों से दूर होकर एक सभ्य व्यक्ति का जीवन जीने के लिए हम अग्रसर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जो उनके भगत हैं उनको लाभ प्राप्त हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे स्टोरी चैनल पर और ऐसे न्यूज़ चैनल पर या साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं उनको देख सकते हैं, और एक रियल स्टोरी चैनल है उस पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के अनुभव हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या क्या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुए, शारीरिक लाभ प्राप्त हुए, और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनका जीवन आज कैसे स्वच्छ और साफ जी रहे हैं। कौशलेय शास्त्री जी का ये कहना है कि जो लिंग है उसका अर्थ होता है चिन्ह, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी आध्यात्मिक पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति में शिवलिंग का स्वरूप दिखाया है, उसमें लिंग और लिंगी का भी भेद उन्होंने बताया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लिंग का अर्थ कौशलेंद्र शास्त्री जी ने जो बताया है वो चिन्ह
प्रमाण या प्रतीक बताया है, लेकिन वास्तव में इसका जो नीचे अर्थ और भी है वो इन्होंने नहीं बताया और समाज को पथ भ्रष्ट कर दिया है। इस मुद्दे से हटाने के लिए इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया और मुंह खा दी इन्होंने बोल दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसी शब्दकोश में लिंग का अर्थ पुरुष या स्त्री के जननेन्द्रियों का बोध कराने वाला चिन्ह है। दोस्तों, देखने में आ रहा है कि आज हमारे ट्विटर पे शिवलिंग को लेकर के बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल वो भी भ्रमित हैं, उनको भी इस बारे में नहीं पता, और जो लोग डिबेट कर रहे हैं वो लोग भी इसका सही प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि प्रमाण के साथ कि वाकई में शिव जी का जो लिंग है उसका क्या अर्थ है, क्या केवल एक चिन्ह का प्रतीक है या वाकई में ये जनेन्द्रिय का प्रतीक है, क्या हमारे पुराण कहते हैं इसके बारे में, सर बताएं। देखिए, शिवलिंग का तो जो प्रमाण है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र शिव पुराण से बताया है, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक नंबर 27 से 30 में। और दूसरा प्रमाण है पार्वती जी की योनि का, वो शिव पुराण से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 श्लोक 1 से 53 में इसका प्रमाण है, और ये कथा है उसमें दारुवन की, उसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा प्रमाण दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेद बताया है वो आज तक किसी धर्मगुरु ने नहीं बताया। हम तीन युगों से उपासना करते हुए आ रहे थे और शिवलिंग की पूजा करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज वर्तमान में स्वयं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और उन्होंने इस ज्ञान को समझाया है, क्योंकि कबीर साहब की वाणी कहती है कि गुरुबिन वेद पढ़े जो प्राणी समझन सार रहे अज्ञानी, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो आज तक हम तत्वदर्शी संत के अभाव में वेद शास्त्रों को पढ़ते रहे और ये संस्कृत भाषा को जानने वाले विद्वान गछामी गछामी करते हुए और हमारी भक्त समाज को पथ भ्रष्ट कर दिया, और ये संस्कृत भाषा के विद्वान होने के कारण समाज में महर्षि की पदवी पा गए। दोस्तों, आज का जो हमारा डिबेट था वो था इस पुस्तक को लेकर के, जिसका टाइटल था अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित गई पुस्तक थी, जिसको लेकर के आज सोशल मीडिया साइट पे तहलका मचा हुआ था। इसी पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान को लेकर के हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के साथ पहुंचे और उनसे हमने प्रश्न उत्तर किया और उन्होंने जो जवाब दिए वो हमने आपके सामने बताए। तो दोस्तों, आज हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सोशल मीडिया साइट और जितने भी अपने न्यूज़ एंकर हैं, जितने भी चैनल हैं, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी भी शब्द पर टिप्पणी करने से पहले आप उसमें लिखे हुए किसी भी चीज़ को प्रमाण के साथ पढ़ लिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल और मीडिया का जो प्राण कर्तव्य है वह है सच को दिखाना, और सच तभी सामने आता है जब उसका कोई प्रमाण दे रखा हो। हम दोनों पक्षों की बातों को लेकर के चलें, ना कि एक ही पक्षों की बातों को लेकर के। जब हम दोनों पक्षों की बातों को लेकर के चलेंगे और फिर जनता के सामने हम कोई चीज़ रखेंगे तो जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी कि सच है क्या गलत। तो हमें ठेकेदार नहीं बनना है, हमको केवल सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करना है। और हमारी टीम ने यह पाया है दोस्तों, जो पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है ज्ञान, इसमें लिखी जो भी चीज़ है वो शास्त्रों से प्रमाणित पाई गई है, कि किसी भी तरीके से इस पुस्तक के ऊपर प्रश्न उठाना हमारी और हम लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर कबीर साहब जी की देवी देवताओं का पूरा ज्ञान भी दे रखा है। तो इस पुस्तक को फाड़ना अपने आप में एक बहुत ही गलत संकेत समाज के सामने पेश करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी उस पुस्तक को नहीं पढ़े हैं वो एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, और आपको कोई इसमें त्रुटि लगे तो अपने शास्त्रों से मिलान करें। ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए कबीर साहब जी के द्वारा दिया गया ज्ञान इस पुस्तक में मिलता है। बने रहिए हमारी टीम के साथ, एएनडीसी की टीम के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।